एसएसबी इंटरव्यू की बैकबोन लाइफ लाइन क्या होता है? पीआईक्यू फॉर्म होता है। अब पीआईक्यू फॉर्म में इतना सब कुछ भरवाया क्यों जाता है भाई? हर बारीक डिटेल का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आपसे जो कुछ वहां भरवाया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, और जो आप लिखते हो भरते हो उसको रीड करने के बाद आपके एसेसर्स आपके बारे में ऑलरेडी कुछ मन बना करके बैठते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में वो सारी बातें कि कहां क्या और क्यों लिखवाया जाता है और वो लिखवाने के पीछे मकसद क्या होता है। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे हो इसमें तो आपके राइट हैंड के टॉप पर एक कॉलम है जिसमें आया है OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाओगे आपका OIR टेस्ट जो होगा, उस OIR टेस्ट में आपको सबसे पहले जो परफॉर्मेंस आपका रहेगा उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर 1 से 5 के बीच में OIR रेटिंग दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हो कि जो 1 है वो हाईएस्ट है और 5 जो है वो लोएस्ट है। अगर आपका OIR बहुत अच्छा जाता है, अप टू द मार्क जाता है, तो आपका OIR 1 होगा, और अगर आपका बड़ा बेकार जाता है OIR 5 होगा। इसके अपने आप में मायने हैं और इसको आपको नहीं भरना है, इसमें आपके एसएसआर भरेंगे, और मैं चाहता हूं कि आपका OIR में जो रेटिंग है वो बन जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगली बात पर आते हैं, नेम इन कैपिटल लेटर्स। जी हां डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहे नेम इन कैपिटल्स सुस्पष्ट अक्षरों में जैसा मैट्रिक प्रमाण पत्र में है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय अपना नाम भरा था, सेम वही नाम आपको इस पीआईक्यू फॉर्म में भरना है। तीसरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो यह है फादर्स नेम। बच्चों, फादर्स नेम वहां आपको भरना है। फादर्स नेम क्यों भरवाया जाता है इसके बारे में पूछने और बताने की आवश्यकता नहीं है, पर आपने जो आपका नाम भरा है उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपका नाम किसने रखा, क्यों रखा, आपके नाम के मायने क्या हैं, क्या आपके नाम का कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, आपके डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है, आपके डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है उसके बारे में आपको कितनी गहराई से जानकारी है, यह बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट बात पर अगर आप आते हो तो देखते हो प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस। जी हां डियर स्टूडेंट्स, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, सर ये कॉलम देने की जरूरत क्या है कि आप मैक्सिमम टाइम कहां रहे हो? बच्चों, आप देखोगे कि प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस क्यों पूछा जाता है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ध्यान से समझना। दिस हैज टू नो अबाउट द जनरल एनवायरमेंट इन विच अ कैंडिडेट हैज ग्रोन अप। कैंडिडेट किस माहौल में बड़ा हुआ है? अ कैंडिडेट विद अ बैकग्राउंड लाइक दिल्ली कलकत्ता इज हैविंग डिफरेंट व्यू ऑफ लाइफ देन द वन फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड। ऐसा लड़का जो शुरुआत से गांव में रहा है, ऐसा लड़का जो शुरुआत से दिल्ली कलकत्ता जैसे मेट्रो सिटीज में रहा है, आप जानोगे दोनों लड़कों के बिहेवियर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरह की दुनिया देखी होती है। इसीलिए आपसे पहले ही लिखवा लिया गया है कि मैक्सिमम रेसिडेंस आपका कहां रहा है। जी हां, आगे देखिए, कैंडिडेट फ्रॉम दिल्ली इज एक्सपोज टू वैरायटी ऑफ थिंग्स बट द एक्सपोजर ऑफ द रूरल कैंडिडेट इज लिमिटेड। हैव द नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन एरिया ऑफ द टाउन यू रिसाइड इन। जब आप जा रहे हैं, आपने जहां लिखा है मैक्सिमम रेसिडेंस के बारे में जो सिटी आपने डाला है उसकी पॉपुलेशन, उसकी उसकी जो क्वालिटीज है वो सब आपको वहां पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखते हैं प्रेजेंट एड्रेस। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस, कि आप अभी फिलहाल कहां रह रहे हो, उसका पॉपुलेशन क्या है, वो सब बातें वहां पर आपको इंफॉर्मेशन ठीक से पता होना चाहिए। कह रहा है कंसर्न स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, आपका कंसर्न स्टेट है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो रिलीजन है, आपका जो कैटेगरी है, मदर टंग है, डेट ऑफ बर्थ है, मैरिड अनमैरिड, ये सारी चीजों की जानकारी वो इस सेक्शन नंबर सीरियल नंबर 5 में आपसे ले लेगा। अबाउट पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन वो आपसे लेगा, जिसे आप देख रहे हैं कि क्या माता पिता जीवित है, हाँ या नहीं। बच्चों, इस पॉइंट के पीछे भी उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है, ध्यान से समझना। द कैंडिडेट्स डेवलपमेंट इज बाउंड टू बी डिफरेंट इफ ही हैज गॉट अलाइव पेरेंट्स या फिर द कैंडिडेट हु हैड बीन ऑर्फंड। ठीक है, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनका अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होता है, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं, ऑर्फनेट जो है उनका अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होता है। साथ ही साथ
whether he had been orphaned at early age or in maturity, कि अगर उसके माता पिता नहीं रहे हैं तो वो उम्र के किस पड़ाव पर नहीं रहे हैं, इस बात का भी बच्चे की परवरिश पर, बच्चे की अपब्रिंगिंग पर बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये सारा माइंडसेट आपके एसएसआर के दिमाग में पहले से बन चुका होता है आपका पीआईक्यू फॉर्म पढ़ने के बाद। देन व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड लेवल ऑफ देयर लाइवलीहुड पर मंथ, आपके माता पिता का क्या ऑक्यूपेशन है, जिस प्रकार के प्रोफेशन में वो होंगे उसी तरह की एक्सपेक्टेशन आपसे की जाएगी। अगर वो खेती किसानी करते हैं उसी तरह की एक्सपेक्टेशन आपसे की जाएगी। अगर वो बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत बड़े कंपनी के अंदर मैनेजर हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन आपसे की जाएगी। ऑल दीज एस्पेक्ट्स अफेक्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जैसा आदमी ने देखा है, जैसा आपने जिया है, वैसा आपका लाइफ के प्रति एटीट्यूड होगा। और ये चीजें आपसे पहले से ही पीआईक्यू फॉर्म में फिल करा ली जाती है। अभी कह रहे हैं एजुकेशनल रिकॉर्ड, आप देख रहे हो एजुकेशनल रिकॉर्ड आपसे पूछेगा किसका क्या एजुकेशन है, क्योंकि जितना जैसा एजुकेशन है उसी तरह का आपको एक्सपोजर मिला हुआ है। तो ये बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स जो है उनके बारे में सारी चीजें पूछेगा, तो वो दिस गिव्स इनसाइट इन द फैमिली एनवायरमेंट इन विच ही इज लिविंग विद। फॉर एग्जाम्पल, अ कैंडिडेट विद मोर को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज लाइकली टू बी मोर शेयरिंग विद अदर्स देन द वन हु अलोन। सिमिलरली, वेयर डू यू स्टैंड इन द फैमिली इज लाइक टू गिव आइडियाज अबाउट योर डेवलपमेंट। आप देखोगे अगर किसी माता पिता का इकलौता बच्चा है, हो सकता है शायद उसको शेयरिंग उतने अच्छे से नहीं पता हो, उसको ओरली सिखाया पढ़ाया गया होगा पर प्रैक्टिकली उसने सारी चीजें बहुत कम करके रखी होगी। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो 3-4 भाई बहनों के बीच में पला बड़ा है, उसका शेयरिंग का जो हैबिट है वो प्रैक्टिकल उसने कर रखे हैं काम, वो ज्यादा आसानी से चीजें समझ में आ जाती है। एज हाइट, अब एज का क्या रिलेशन है, आप देखोगे बेटा अगर कोई बच्चा जो है सिर्फ 17.5 की उम्र में एनडीए देने पहुंच गया है, एसएसबी देने पहुंच गया, कोई बच्चा ऐसा है जो 19 के अंतिम पड़ाव में एसएसबी दे रहा है, दोनों बच्चों को आप देखोगे तो उनके एज ग्रुप में 2 ईयर्स का डिफरेंस होगा। और ये 2 ईयर्स का डिफरेंस भी बड़ा लंबा डिफरेंस होता है अगर फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे। अभी क्या कह रहा है, यंगर एज कैंडिडेट्स आर मोर ट्रेनेबल देन एल्डर ग्रुप, अ गुड हाइट एंड लाइट वेट विल गो इन कैंडिडेट्स फेवर। अगर हाइट अच्छी है और वेट कम है डेफिनेटली आप उनके फेवरेट कैंडिडेट रहोगे। अगर हाइट तो है पर बड़ा बंदा अच्छा बहुत मोटा तगड़ा हो रखा है तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको वेट कम करना चाहिए। आगे देखते हैं, पेरेंट्स ऑक्यूपेशन गिव्स अल्टरनेटिव्स ओपन टू यू, यू शुड बी वेल कन्वर्स्ड विद इट एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लाइकली टू बी आस्क्ड, पर्टिकुलरली हाउ डू यू प्लान योर फ्यूचर। जो पेरेंट्स का प्रोफेशन है उसके रिलेटेड में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी कह रहा है एनसीसी ट्रेनिंग, भाई एनसीसी ट्रेनिंग अगर आपने किया है तो क्या आपसे एक्सपेक्ट करेगा, देखिए शोज योर मोटिवेशन टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस। कई बार बच्चा जो है कहता है कि फौज में जाने का मेरा मन जो था वो बचपन से मेरा सपना था। भाई बचपन से सपना था, ग्रेजुएट हो चुके हो, आपके कॉलेज में एनसीसी भी था, एनएसएस भी था, ना आपने एनसीसी किया ना एनएसएस किया, इसका मतलब यह है कि आपका कोई मोटिवेशन वहां था नहीं। तो अगर आपने ये सारी चीजें की है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, बट इन नो केस इट इज इंडिकेटिव ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। पर ऐसा नहीं कि एनसीसी करने मात्र से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गलत बात है। हैव क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द एनसीसी सर्टिफिकेट्स यू हैव अचीव्ड, जो कोई सर्टिफिकेट आपके पास में है उन सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। चलो अब अगला पॉइंट आता हॉबीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार और बार बार चीजें पूछी जाती है और लोग यहीं पर अटक जाते हैं। हॉबीज वेरी इंपॉर्टेंट सीरियल, एज इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज लाइकली टू ग्रिल यू क्वाइट अ बिट ऑन हॉबीज। आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे हॉबीज से रिलेटेड सवाल जरूर पूछेगा, आपकी खुदाई करेगा, आपसे बहुत सारे सवाल यहां से पूछ सकता है। सिलेक्ट 2 or 3 बट हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट। नंबर ऑफ हॉबीज है ना, कैन बी टॉट ऑफ है ना, फोटोग्राफी, पेंटिंग, म्यूजिक, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग, ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, स्टाम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, मेकिंग साइंस प्रोजेक्ट्स, रोबोट्स, कंप्यूटर्स, गार्डनिंग, कुकिंग, ये सारी बहुत सारी हॉबीज हैं। इनमें से एक आध या दो कोई हॉबीज मैं तो नहीं कहता सिलेक्ट की जा सकती है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, हर बंदा हर बच्चा कुछ ना कुछ ऑलरेडी कर रहा होता है,
पर अगर अभी तक भी कोई हॉबी नहीं है तो फिर ये हॉबी आपको बना लेना चाहिए। इनमें से कोई एक हॉबी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यू मस्ट कल्टिवेट अ हॉबी एटलीस्ट फॉर 1 or 2 years बिफोर अपीयरिंग एट SSB। सोचिए, बड़ा भारी बम्प हो रहा है आपके ऊपर, क्योंकि जनरली अधिकतर बच्चे इस वीडियो को तब देख रहे होंगे जब उनके SSB में एक आध महीने का गैप बचा होगा। क्योंकि देखिए, हम हिंदुस्तानी, हम तो सर्च ही तभी करते हैं जब बड़ी परेशानी हो जाती है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हॉबी अगर आज तक भी कोई नहीं है तो बना लीजिए और सोच लीजिए कि आपका एक महीने आपके लिए 2 साल के बराबर है। क्योंकि इंसान के ऊपर जब प्रेशर होता है तो वो 2 साल में जितना नहीं सीखता वो इतना एक महीने में सीख सकता है। तो आप कर सकते हैं, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखो तो हॉबी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद में आप देख रहे हो बच्चा, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है ये हॉबी से अलग बात है। यहां पर आप देखोगे कि क्या बच्चा स्कूल कॉलेज में डिबेट में पार्टिसिपेट करता था, क्या वो डिक्लेमेशंस में भाग लेता था, ड्रामा एग्जीबिशंस, क्विज कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, इस तरह के कंपटीशन में क्या वो भाग लेता था। क्योंकि इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ये बताता है कि बंदा बड़ा ही कैसा है, कॉम्पिटिटिव नेचर का है, वो हमेशा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिव रहता है, ठीक है। और पार्टिसिपेशन से आपको अच्छा एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपका ग्रुप डिस्कशन बड़ा ही आसान हो जाएगा, बड़े मजेदार चीजें आपको वहां पर मिलेगी। नेचर ऑफ कमीशन, चॉइस ऑफ सर्विस। अब बच्चों, आपको देखना है कि आप जो है किस नेचर में जाना चाहते हैं, कि आप परमानेंट कमीशन में जा रहे हैं, कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा रहे हैं। उसके बाद में आपको देखना है कि आप आर्मी चूज कर रहे हो, नेवी चूज कर रहे हो, या फिर एयरफोर्स चूज कर रहे हो। आपको अपने इंटरेस्ट और इन सारी चीजों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कि क्यों? क्योंकि ये अब आपकी सर्विस बनने वाली है, आपका करियर बनने वाला है। मैं सही शब्दों में कहूं तो ये जो सर्विस है यही आपका आगे वाला जीवन बनने वाला है। तो आप इनके बारे में थोड़ा गहराई से इंटरेस्ट के साथ स्टडी कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। नंबर ऑफ चांसेस। अब बच्चों देखिए, नंबर ऑफ चांसेस क्यों लिखा है, क्यों पूछा जाता है कि आप कितनी बार आए हो, कितनी बार आप SSB में बैठे हो। जनरली देखा जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा बिल्कुल नया होता है, वो फेमिलियर चीजों के साथ में नहीं होता है, तो वो वहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट में चीजें देखता है, सीखता है, और उसके बाद इंप्रूवमेंट के चांसेस अगले दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में होता है। अगर कोई बंदा यूं सोचे कि मैं बार बार जाता रहूं और हर बार कुछ सीख करके आऊंगा, नहीं, आप जब तक खुद पर काम नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे कहां से। तो आप इस बात को विशेष फोकस कीजिए, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए कि आप बार बार रिपीट करके बहुत ज्यादा नहीं सीख सकते। और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट फॉर द SSB इंटरव्यू। तो आप अगर जा रहे हैं तो पहले अटेम्प्ट के लिए ठीक से प्रिपेयर होकर के जाइए, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो PIQ फॉर्म भरने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। आपको इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान देना है। देखिए क्या क्या है। बींग ए वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट शुड फिल PIQ फॉर्म वेरी legibly and truthfully. Don't do it in a sketchy manner. कई बार बंदा ऐसा होता है PIQ फॉर्म भी बड़ा रफ भर देता है, उसको ऐसा लगता है चलो घास काट दो। बिल्कुल घास नहीं काटना है बच्चा, आपको PIQ फॉर्म, ये आपकी जिंदगी है, ये बैकबोन है SSB इंटरव्यू का। इस PIQ फॉर्म को आपको बड़ा केयरफुली फिल करना है। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कॉलम एंड प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। गेट योर रेस्पेक्टिव डाटा नो टू विद यू बिफोर गोइंग टू SSB। आप अपना डाटा ठीक से इकट्ठा कीजिए और आप इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी ठीक से लेकर के जाइए। ऐसा ना हो कि बस जो कुछ भरा था भर दिया और जो भरा है उसके बारे में खुद को पता नहीं है। जो कुछ आप लिख रहे हो उसके बारे में आपको ठीक से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। द नॉलेज अबाउट दिस फॉर्म विल ले डाउन और योर गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन फॉर SSB। प्लीज गो थ्रू द चैप्टर। ये तो इधर बुक का नहीं, किस चैप्टर से जाना। सिलेक्ट एंड परस्यू योर हॉबीज, एक्टिविटीज, गेम्स वेल इन एडवांस टू प्रूव योर अथॉरिटी इन दीज गेम्स। अगर आपने कोई गेम्स वगैरह लिखा है तो उनको अच्छे से खेलिए, उनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन रखिए, और उस गेम में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है वो भी आपको ठीक से पता होना चाहिए। और लास्ट में, मीनिंगफुल, लेजिबल एंड सेंसिबल फिलिंग अप दिस परफॉर्मा कैन हेल्प यू टू विन हाफ द बैटल। डू इट विद कंसर्न, डोंट हेजिटेट टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इफ नीडेड यू कैन आस्क फॉर अनदर शीट फ्रॉम द टेस्टिंग JCO। हालांकि मैं कहता हूं कि PIQ फॉर्म ठीक से भरिए, जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि आपको फिर से PIQ फॉर्म लेना पड़े, पर अगर ऐसा हो जाता है, कहीं गलती हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप नया PIQ फॉर्म मांग सकते हैं और उसको भर सकते हैं। बच्चों,
अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने स्टेटस पर डाल लीजिए, इसको वायरल कर दीजिए, इसको उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिसको इस वीडियो की सख्त आवश्यकता है। और अगर इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। वीडियो वो होगा जिसको आप बनवाना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक के साथ जरूर आऊंगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।